एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस विद निधि। और मैं हूं निधि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक वीडियो स्किन केयर के ऊपर अपलोड करूं, जिसमें कि मैं बताऊं कि सीरम के बाद क्या लगाना चाहिए, प्लस अगर आप स्पॉट करेक्टिंग क्रीम लगा लेते हैं देन आप क्या लगाएं, नाइट क्रीम फिर आप कैसे लगाएं। तो यही सब चीजें मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूं। देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इस पर सब चीजें उस तरह से बताऊंगी जैसे कि मैं यूज करती हूँ। मैंने कई सारी वीडियो इस तरह की अपलोड की हुई हैं, तो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। हर सीजन में मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अब इस सीजन में क्या कर रही हूँ और इस सीजन में मैंने क्या चेंज किया है। तो अब चल रहा है मानसून सीजन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी का मौसम है, धूप निकल जाती है तो इतनी ज्यादा स्टिकीनेस हो जाती है वेदर में। तो अब मैं क्या यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्किन टाइप है एक्ने प्रोन प्लस हाइपर ऑयली स्किन है मेरी। तो अगर आप मेरी स्किन टाइप के हैं या फिर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स चेरी ब्लॉसम स्किन कामिंग मेकअप क्लींजिंग लोशन का रिव्यू भी ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरी बोतल बिल्कुल बंद है, ये मैंने इस वीडियो से पहले ही इसकी पैकेजिंग निकाली है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है और मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने पर्पल से गुड वाइब्स के अलावा और कभी कुछ खरीदा भी नहीं है। एक स्टे क्विकी का मैंने एक काजल खरीदा था बट वो मुझे सूट नहीं किया, लेकिन गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मुझे सूट करते हैं तो मैंने ये परचेज किया है, क्योंकि इसका मैंने काफी अच्छा रिव्यू सुना था। तो इसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आप मेरा मेकअप देख रहे हैं मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। मैं बस सोच रही थी इसको उतार लेती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। ये बालों को मैंने अपने टाई कर लिया है, प्लस मैं अपने केनिंग्स उतार देती हूँ। और ये है गुड वाइब्स का चेरी ब्लॉसम स्किन कामिंग मेकअप क्लींजिंग लोशन। 120 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है। प्राइसिंग है इसकी 199 rupees, बट डेफिनेटली आपको पर्पल पे इस पे डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और ये आपको पर्पल पे ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा, purple.com पे। और इसमें आपको दो साल की आपको इस पे शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। और इनके प्रोडक्ट आपको पता ही है गुड वाइब्स के पैराबेन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, ये इस चीज को क्लेम करते हैं। और उन्होंने बताया है कि आप इसको थोड़ा सा लोशन ले लीजिए अपनी फिंगर्स पे या फिर कॉटन पैड पे आप ले लीजिए, मसाज कीजिए और देन आपको अपनी आई लिड्स क्लोज रखनी है, आईज नहीं खोलनी है। हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब आईज बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आईज को तो बंद रखना ही चाहिए। और फिर आप इसको धो लीजिए वाटर से या फिर पहले कॉटन पैड से आप इसको रिंस कर लीजिए, देन आप इसको लगा लीजिए। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो ये आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, मैंने आज फाउंडेशन वगैरह सभी कुछ यूज किया है। और ये मैं अपनी बिंदी उतार देती हूँ। और ये मैंने लोशन ले लिया है, स्मेल अच्छी आ रही है इसके अंदर से, थोड़ी सी बेबी प्रोडक्ट की स्मेल आ रही है। वर्क तो अच्छे से कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक कॉटन पैड ले रही हूं एंड यू कैन सी ये मेकअप अच्छे से इसने निकाल दिया है, प्रोडक्ट तो अच्छा लगा है मुझे। ये आप देख सकते हैं सारा इसने लाइनर भी निकाल दिया है। मैंने लगाया था फेसिस का मैग्नेटाइज लाइनर प्लस काजल। और ये आप देख सकते हैं यू कैन सी प्रोडक्ट काफी अच्छा है यार, मुझे तो अच्छा। ये आप देख सकते हैं, सॉरी
सारा इसने मेकअप निकाल दिया है। या देख सकते हैं सारा काजल वगैरह। तो मेकअप आप देख सकते हैं अच्छे से इसने रिमूव कर दिया है। अगर फील होता है तो आप थोड़ा और लगा सकते हैं, बट मुझे फील ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी लेयर्स में मेकअप नहीं किया था। मैंने बस फाउंडेशन ही लगाया था, हल्का सा कंसीलर, बाकी वो भी मैंने काफ़ी कम लगाया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा। आप चाहें तो आप एक दो बार और इसे ले सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये सारा मेकअप इसने निकाल दिया है और देन मैं अपना फेस वॉश करूंगी। तो फेस वॉश करने के लिए मैं जो यूज करती हूँ वो आपको बता दूँ, मैं यूज करने वाली हूँ ये बाओ का उपटन फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश करने से फेस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो मैं आती हूँ फेस वॉश करके। तो ये कर लिया है मैंने अपना फेस वॉश। वाओ का उपटन फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स नहीं है, लाइक मामा अर्थ। ये लाइट वेट है, आप इससे फेस वॉश कर सकते हैं। और अब मैं अपने फेस को कर लूँगी ड्राई। गुड वाइब्स का क्लिंजिंग लोशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, देख सकते हैं आप, पूरा मेकअप इसने निकाल दिया है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे खादी का रोज़ वाटर टोनर। ये बहुत लाइट वेट है और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है और प्लस बजट में भी आ जाता है। बिल्कुल रोज़ वाटर जैसा ही लगता है, लाइट वेट है। और इसको आप कॉटन पैड पे लेके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने हैंड पे भी लेके यूज़ कर सकते हैं। स्मेल इसकी बिल्कुल गुलाब जैसी है, बहुत अच्छी है, जैसे कि डाबर की गुलाब आ रही आती है। सब तरफ मैं टोनर लगा ले रही हूँ। टोनर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टोनर यूज़ करने से आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और आपको पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं, धूल मिट्टी वगैरह आपके पोर्स के अंदर नहीं जाती है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्लम का क्लैरिटी नाइट जेल। इस टाइम में कोई भी नाइट टाइम में आजकल कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस ये नाइट जेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये दोनों का काम कर देता है, काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी मुझे पिम्पल्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रही हूँ। वैसे अगर आप सीरम यूज़ करते हैं तो आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, प्लस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके उसकी अलावा ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मतलब उनकी जगह पर मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या बात है यार, मुझे इस ह्यूमिडिटी के मौसम में ना 3-4 सालों से मैं देख रही हूँ मुझे पिम्पल्स आने लगते हैं। अब ये 1 महीने तक आएंगे और तब जाके ये सही होते हैं, अक्टूबर में जाके सही होते हैं। पता नहीं जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप देख सकते हैं स्किन काफ़ी क्लियर हो जाती है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही है ये ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन स्किन अगर आपकी है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओरिएंटल बॉटनिक्स का एलोवेरा आई जेल, जो कि बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने इसका अभी आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। इसके अंदर ये रोल ऑन भी आता है, आप चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छा है। अगर आप आई मेकअप वगैरह करते हैं तो आपको आई जेल वगैरह यूज़ करने ही चाहिए, आपकी आइज़ के लिए अच्छा रहता है वो। और मैं थोड़ी देर इससे मसाज करने के बाद ना अपनी इस जो रिंग फिंगर होती है उससे मसाज करती हूँ, क्योंकि इससे प्रेशर आइज़ पे कम पड़ता है, तो इससे अपनी आइज़ की मसाज करनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा है। स्मेल बहुत अच्छी आती है इसके अंदर से। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बायोटिक का बायो विंटर ग्रीन क्रीम। इसके बारे में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कब यूज़ करना है, तो आप देख सकते हैं, आप अगर कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो आप सीरम और मॉइस्चराइज़र के बाद इसे लगाएं। और अगर आप सीरम सिर्फ सीरम यूज़ करते हैं तो आप सीरम के बाद लगा लीजिए। अगर आप सीरम यूज़ नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र के बाद लगाइए। मेरा कहने का मीन्स ये है कि इस आप इसको लगाने के बाद आप कुछ नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र सीरम नहीं लगाएंगे, सबसे लास्ट में आप इसको लगाइए। और जहाँ जहाँ आपके डॉट्स हैं, आई मीन स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आप लगाइए, जो एक्ने स्पॉट्स हो जाते हैं वहाँ वहाँ आप लगाइए, डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो ये होली ग्रेल प्रोडक्ट है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपने देखा होगा मैं आपको हर अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में ये दिखाती हूँ, और मैं इसको बहुत बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे पास तो ये रहता है, कभी मैं इसे ख़त्म नहीं होने देती हूँ। और लास्ट में मैं लगा रही हूँ लोटस का लिप बाम।
लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, कोई भी वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देता है, आपके लिप्स लाइटनिंग वगैरह नहीं होंगे, बस ये आपको मॉइस्चराइजेशन दे देता है। मेरे पास है, पैसे डालने हैं तो ख़त्म करना है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे होता है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फिनिश। आई होप कि आपकी हेल्प हो पाए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पहले देखिए, मैंने बिंदी लगा ली है क्योंकि बिंदी ज़रूर लगाती हूँ मैं, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा सबके साथ शेयर, और प्रेस कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप न्यू हैं, और बेल बटन हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।